बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कैट्स मनमौजी होते हैं और ज्यादा लविंग नहीं होते, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 5 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने कैट्स को बेहतर समझ भी पाएंगे और उनसे दोस्ती भी कर पाएंगे। पहला, आप उन्हें अपने पास आने दें। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि अगर आपको एक कैट को देखते ही उसे पकड़ के प्यार करने का मन करे, वो होते ही इतने क्यूट है। अब ऐसे में कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती दबोच के प्यार करने की या कडल करने की कोशिश करते हैं। अब जबरदस्ती का प्यार भला किसी को भी पसंद कैसे होगा? स्टडीज के अनुसार यदि आप किसी कैट से दोस्ती करना चाह रहे हैं तो उनके पास जाने के बजाय उन्हें आपके पास खुद आने दें। स्विट्जरलैंड की एक रिसर्च के अनुसार जब हम अपने काम में व्यस्त होते हैं जैसे कि किताब पढ़ना या लैपटॉप चलाना, तब कैट्स के हमारे पास आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो लोग कैट्स से एलर्जिक होते हैं या उनसे दूर भागते हैं वो कैट्स को अपने पास मंडराते हुए ज्यादा पाते हैं। कैट्स बहुत ही आज़ाद किस्म के एनिमल्स होते हैं और उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस काफ़ी पसंद होती है। अगर आपकी कैट पास जाने पर आक्रामक तरीके से पेश आ रही है तो बेहतर होगा कि आप उससे दूरी बना लें। ऐसे समय पर और लाड प्यार दिखाने से आपके उस कैट से संबंध बिगड़ सकते हैं। दूसरा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कैट्स इतनी मनमौजी है तो उन्हें प्यार दिखाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मैं आपको बताती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन के अनुसार कैट्स के कानों और आंखों के बीच में सहलाने से उन्हें काफी अच्छा लगता है। ऐसे में वो पर करने लगती है यानी कि धीमी धीमी आवाज निकालने लगती है, जिससे कि ये जाहिर होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उन्हें पसंद आ रहा है। लेकिन अगर आपकी कैट को वो भी पसंद नहीं आ रहा तो वो इसे पंजा दिखा के या फिर हिस करके यानी कि दांत दिखा के एक्सप्रेस करती है। कैट्स को अपनी पूंछ के आसपास वाले हिस्से में टच बिल्कुल भी नहीं पसंद। रिसर्च में तो ऐसी कोई भी कैट नहीं थी जिसे ये पसंद आया हो, लेकिन आपकी कैट सबसे अलग भी हो सकती है। रिसर्चर्स ने तो कैट्स के पेट को छूने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उन्हें अपने शरीर पर खरोचे नहीं चाहिए थी। तीसरा, कैट्स की सूंघने की शक्ति इंसानों से 14 गुना ज्यादा होती है। अगर आपकी कैट आपके हाथों को सूंघकर पीछे हट जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसे आपके हाथों की सुगंध पसंद नहीं आई, या फिर आप ऐसे एनिमल से मिलके आए हैं जिसकी खुशबू उसे पसंद नहीं है। कैट्स का कम्युनिकेशन स्मेल और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कैट्स एक दूसरे से मिलते समय एक दूसरे की नाक सूंघते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हम इंसान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? जब भी हम कैट से मिले उन्हें अपना हाथ सूंघने दें, जिससे वो ये जज कर पाए कि क्या वो हमसे दोस्ती करना भी चाहती है या नहीं। बहुत संभावना है कि आपका हाथ सूंघने के बाद वो अपने गाल को रगड़कर आपको प्यार दिखाएंगी। इसका मतलब ये है कि हाँ, तुम मेरे दोस्त बन चुके हो। चौथा, कैट्स को इंसानों के साथ घुल मिल के रहना खाने से भी ज्यादा पसंद आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी कैट को उठा के जबरदस्ती प्यार करना शुरू हो जाए। ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक कैट्स को खाना, खिलौने, महक से भी ज्यादा अच्छा इंसानों से घुलना मिलना लगता है। तो अगर आप अपनी कैट के साथ रेगुलरली खेलते हैं, ना ही आपके और उसके संबंध बेहतर होंगे बल्कि आपकी कैट का मूड भी अच्छा रहेगा। पांचवा, कैट्स को घूरे ना बल्कि उनको देखते समय अपनी पलके धीरे धीरे झपकाए। प्राचीन काल में कैट्स शिकारी हुआ करते थे और वो अपने शिकार को एक टक लगा के घूरते थे ताकि उनके शिकार को भागने का मौका ही ना मिले। क्योंकि अब कैट्स डोमेस्टिकेटेड हो गए हैं यानी कि घरों में रहने लगे हैं, तो अगर आप उन्हें घूरते हैं ये उन्हें डरा सकता है और आपकी दोस्ती खतरे में आ सकती है। तो जब भी आप अपनी कैट की तरफ देखें उन्हें घूरे ना बल्कि अपनी पलकें धीरे धीरे झपकाएं, जिससे उन्हें ये सुनिश्चित होगा कि आप उनके दोस्त हैं और उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। जब लोग कैट्स को बेहतर समझ पाएंगे तभी ज्यादा से ज्यादा लोग कैट्स को अडॉप्ट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।